Good Choice Studio and Islamic Network. फरमाते हैं मैंने कमोपेश 20 साल हज़रत जुनैद बायज़ीद की बारगाह में गुजारे बतौर खादिम मुरीद भी। कहते जिस दिन मैं पहले दिन हज़रत की खिदमत में आया तो आपने बुला के मुझे मेरा नाम पूछा और फरमाने लगे, बेटे तेरा नाम क्या है? अगर तुझे कभी किसी खिदमत के लिए बुलाना हो तो नाम तो बता। कहते मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरा नाम जैद है। तो जैद कुछ ना मुश्किल नाम तो नहीं कि याद ही ना हो? कहते हैं सारा दिन गुजर गया, बुलाया बुलाना क्या था, हर वक्त तो जात की जानी मुतवज्जे रहते। तीन तीन दिन बाद वो खाने वाले लोग थे, खिदमत का है ना, रोटी ना पानी तो फिर ना ही कोई इतनी हाजत हुआ करती थी, बस हर वक्त अल्लाह की जानी तवज्जो। फैजा फरोग तफन सब वैला रब्बी का फर्क वजा का रस्म रब्बी ही फसल्ला वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। हर जानिब तवज्जो इन इल्मा विच ना पा मुल्ला कोई यार दी गल सुना मुल्ला। लेकिन पुत्र जो जेडे तुसी बच्चे काके बैठे, चलो मेरी जुबान से निकल गया, अल्लाह मैं बड़ी अबस्तियात करता हूँ, ये तेरे मेरे लिए नहीं है। जो हम मुब्तदी हैं, हमने इल्म सीखना बच्चे, हमने सीखना है इन उलमा से कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, गुस्ल के वाजिबात कितने हैं, गुस्ल की सुन्नतें मुस्तहबात कितने हैं, वुज़ू के फर्ज कितने हैं, किन किन चीज़ों से वुज़ू टूटता है, ये हमने ये अग्गे दिया गल्ला ने फिर जाके। जैसे हुज़ूर बुल्ले शाह ने भी कहा ना, इल्म बस करियो यार, ऐ नहीं क्या कि इल्म हासिल ही ना करिए, पर मैं उन बस कर जड़िया उन 10 किताबा पढ़ी इन्हें देते अमल कर। 10 किताबों का निचोड़ भी यही है कि अल्लाह, 20 का निचोड़ भी यही है अल्लाह, 30 का निचोड़ भी यही है अल्लाह। मुल्लेशा भी ये नहीं कह रहे कि तू इल्म हासिल ही ना कर, जो जो, जो जाहिल हैं इसको बतौर दलील बनाते हैं, तुझे वे खोजी नहीं, आपने कब कहा कि इल्म हासिल ही ना, फिर मैं बस उन अमल। जैसे याद मैं अभी भी चलो एक वो आ रहा हूँ एक मखसूस इलाके से, मैं नाम नहीं लूँगा, तो फिर वहाँ ऐसी बड़ी आइटमें मिलती हैं दर्ज कि जनाब मालूमात का जखीर अंबार लगा है, जिस मौजू पे छेड़ दो लेकिन अमल बस मालूमात हैं, अमल कोई। तो क्या फरमाया, इल्म बस करी ओ यार, इल्म ना आवे विच शुमार, जांदी उमर नहीं एतबार, इल्म बस करी ओ यार, इको अल्फ तेरे दरकार। एक अल्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगले दिन फिर मुझे बुला के कहते हैं, भाई तेरा नाम की है, अगर तुझे बुलाना हो तो तेरा नाम तो बताओ। कहते मैंने इसकी, हुजूर मेरा नाम है। कहते बुलाया कोई भी नहीं सारा दिन। कहते अगली फिर सुबह मुझे बुला के कहते हैं, ओ भाई तेरा नाम बुलाना हो तो नाम तो बताओ। कहते मैंने इसकी, हुजूर जाहिर फरमाते हैं इसी तरह वक्त गुजरता रहा, रोज पूछते फिर भूल जाते, सुबह पूछते फिर भूल जाते, फिर अगली सुबह पूछते फिर। कहते एक दिन बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया, जैद लगता पीर साहब तुझसे खुश नहीं, तुझे नाराज है, तेरी खिदमत हजरत को पसंद नहीं आई, इतनी बेतवजही, वो 20 साल हो गए हजरत को तेरा नाम ही नहीं याद हो, रोज नाम पूछते हैं भूल जाते। कहते मैं हजरत की खिदमत में गया और जाके हाथ जोड़ के अर्ज किया, हुजूर आप मुझे खुश नहीं? कहते हैं साथ में रो भी पड़ा कि नहीं नहीं मैं खुश हूँ। हुजूर क्या आपको मेरी खिदमत पसंद नहीं आई? कहने लगे नहीं पसंद आई। कहते हुजूर मैं कैसे मानूं, अगर मैं आपको पसंद हूँ आप मेरी खिदमत से खुश हैं, फिर इतनी बेतवजी क्यों, 20 साल हो गए आपकी खिदमत में और आपको मेरा नाम ही नहीं याद, ये तो इस तरफ ही निशानदेही हो रही है ना कि आप मुझसे खुश नहीं, मैं आपको अच्छा भी लगता, 20 साल हो गए मेरा नाम नहीं है। तो कहते आगे से हजरत बायजीद भी रो पड़े और मुझे फरमान लगे, बात खुशी या नाराजगी की नहीं, बल्कि बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया बाकी सारे ही भूल गए हैं। जब से मैंने
उसका नाम याद, बाकी मुझे सारे ही भूल गए। सही हो नी मैं रांझा आखो हीर न सदू, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा। मैं बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मैं इनकी बात तो नहीं करूंगा। ओ माशाल्लाह शाह जी, ठीक ने शाह जी।